नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम क्या पढ़ेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और मेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं यानी मादा युग्मक होते हैं और नर युग्मक होते हैं, उनके मध्य निषेचन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जो युग्मक बनते हैं, युग्मक के निर्माण को हम क्या कहते हैं, गैमेटो जेनेसिस, यानी जो गैमेट्स हैं उनका निर्माण हो रहा है। ये जो गैमेट्स होते हैं ये चाहे नर में हो चाहे मादा में हो, ये कैसे होते हैं, अयुग्मक होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी एन प्रकार के होते हैं। और यदि मादा अयुग्मित जो युग्मक है और नर युग्मित अयुग्मित जो युग्मक है गैमेट है, वो आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं, निषेचित कर जाते हैं, तो वो बन जाते हैं 2N यानी द्विगुणित जाइगोट। यानी सामान्य प्रोसेस क्या होता है कि हम जो मनुष्य हैं वो कैसे हैं, 2N है यानी द्विगुणित हैं। अब यदि हम जनन करते हैं, रिप्रोडक्टिव करते हैं, तो जो मादा होती है वो अगुणित बनाती है, अगुणित कोशिका बनाती है जो N होती है, और मादा भी N बनाता है। अब वो दोनों आपस में निषेचित होते हैं और 2N यानी द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जो युग्मक बनते हैं, अगुणित युग्मक बनते हैं, इन क्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब इस गैमेटोजेनेसिस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो जो हमारा मादा युग्मक बन रहा है उस हिसाब से, और एक हमारा जो नर युग्मक बन रहा है उस हिसाब से, यानी जो मेल गैमेट बन रहा है उसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं, और एक फीमेल गैमेट बन रहा है उसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं। तो जो मेल गैमेट होता है उसका नाम होता है स्पर्म। यानी यहां पर क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस को हमने दो पार्ट से बनाया, एक तो ऐसा गैमेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म बन रहा है यानी मेल गैमेट बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्मोजेनेसिस। और यदि एग सेल बन रही है यानी फीमेल गैमेट बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं ओगैमेसिस। अब यहां पर क्या होता है, मादा के अंदर क्या बनता है, मादा के अंदर ओजेनेसिस होती है और जो नर होता है उसके अंदर स्पर्मोजेनेसिस होती है। यानी इसके अंदर तो स्पर्म बनता है, स्पर्म युग्मक होता है, गैमेट होता है, और यहां पर ओजेनेसिस के द्वारा एग सेल बनती है। तो जो हमारी एग सेल होती है वो ह्यूमन में सबसे बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है, जो एग सेल होती है वो ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका होती है और जो स्पर्म सेल है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। अब केवल यहां तक ही नहीं होता, यानी जो मेल है उसमें क्या हो गया स्पर्मोजेनेसिस, और जो मादा है उसमें क्या हो गया ओजेनेसिस। अब यहां पर क्या होगा, ये एग सेल बन गई है और ये हमारे स्पर्म बन गए। अब इतना ही काम नहीं होता, इसके अलावा यहां पर इन दोनों में निषेचन भी होता है। यानी जो अगली प्रोसेस है वो कौन सी है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। बिना निषेचन को हम यहां पर इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं, यानी लैंगिक जनन नहीं कह सकते हैं। लैंगिक जनन के लिए क्या होना आवश्यक है, फर्टिलाइजेशन होना आवश्यक है यानी निषेचन होना आवश्यक है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एग सेल और स्पर्म सेल तो बना लेते हैं लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। उनमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा जो मेल होता है इसमें स्पर्मोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बना ली जाती है। अब ये स्पर्म पहुंच जाती है फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में पहले से ही फीमेल गैमेट यानी एग सेल होती है, वहां पर ओजेनेसिस पहले ही हो जाती है। अब ये दोनों जब पहुंच जाते हैं तो यहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा जो एग सेल है वो कैसा है, अगुणित है, और हमारा जो स्पर्म सेल है वो भी अगुणित है। और जब इनके मध्य फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज यानी जाइगोट, यानी दो जो अगुणित युग्मक हैं वो आपस में जुड़कर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं।
तो इस तरह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। ये तो हो गया हमारा सामान्य परिचय कि यहाँ पर होता क्या क्या है। अब इसमें ध्यान देने की एक बात है कि जो ह्यूमन होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, मानव तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो मानव है उनमें हमेशा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी जो जनन है वो कैसा पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी जो दोनों लिंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ह्यूमन में कभी भी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो ह्यूमन है उसके अंदर बडिंग हो रही है यानी विखंडन हो रहा है, उस तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर काम कैसे करता है, लैंगिक विधि से करता है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, वो वीवी पैरस होते हैं। अब ये वीवी पैरस क्या होता है, कई बार आपने नाम सुना होगा कि कोई जंतु वीवी पैरस होता है, कोई जंतु ओवी पैरस होता है, कोई कोई जंतु ओवी वीवी पैरस भी होते हैं। तो अब इनका मतलब क्या होता है, ये जो शब्द हैं इनका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओवी पैरस के बारे में। जैसे यहां पर हम कोई बर्ड बना लेते हैं, फीमेल बर्ड, ये कोई फीमेल बर्ड है, और जो बर्ड्स होते हैं उनमें हमेशा ओवी पैरस होते हैं, यानी जो बर्ड्स होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। अब ओवी पैरस का मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं यानी अंडे देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओवी पैरस कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जैसे यहां पर हमने फीमेल बर्ड ले लिए, फीमेल बर्ड के अंदर यहां पर एक कैविटी होती है, कोईकल। इस कोइकल कैविटी के अंदर क्या होता है, जो बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अटैच होता है, जो यूरिन सिस्टम है वो भी अटैच होता है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी अटैच होता है, यानी जो भोजन इसने खाया है और जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है, जिस भोजन का पाचन अवशोषण नहीं हुआ है, तो वो जो अपचित भोजन है वो भी इसी कैविटी के अंदर आता है, और जो यूरिन है वो भी इस कैविटी के अंदर आते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी इस कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल बर्ड है यहाँ पर क्या होगा, हमने पढ़ा है फीमेल में हमेशा ओजेनेसिस होती है, फीमेल गैमेट बनाने के लिए ओजेनेसिस की क्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओजेनेसिस की क्रिया होगी, तो ओजेनेसिस क्रिया के द्वारा यहाँ पर एग सेल बन जाएगी, ये हमारी एग सेल बन गई है। अब एग सेल बनने के बाद में जो स्पर्म सेल है वो बाहर से एंटर करेगा, स्पर्म सेल ये बाहर से एंटर कर गया। अब अंदर क्या होगा, जो अंदर कोक्लिया कैविटी है उसके अंदर ये दोनों जो गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स, आपस में क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, यानी ये भी एगुणित है और ये भी एगुणित है। अब जब ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में तो यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब युग्मनज को थोड़ा सा भोज्य पदार्थ वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी के अंदर भरा होता है प्रोटीन, यानी जो युग्मनज अंदर बना है उसके लिए प्रोटीन अंदर होता है, स्टोर होता है, और बाहर से एक लेयर बन जाती है, इसको हम कहते हैं एग। अब ये एग बाहर आ जाता है, तो बाहर आने के बाद क्या होता है, यहां पर जो एग सेल है और जो स्पर्म सेल है अब यहां पर आपस में जुड़ते हैं ये दोनों, और यहां पर बनाते हैं युग्मक। अभी आपको याद रखना है जो फीमेल जो बर्ड है उसके अंदर जो कोक्लिया कैविटी है उसके अंदर जो एग सेल और स्पर्म सेल है ये आपस में अभी फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या बन रही है, एक लेयर बन रही है और बीच में प्रोटीन भरा हुआ है। अब जब ये बाहर ले कर देगी एग को, तो यहां पर जब बाहर आती है तो इसके अंदर अभी भी प्रोटीन है, तो हमारा जो युग्मनज बनेगा, ये दोनों युग्मक हैं, एक तो नर युग्मक एक मादा युग्मक, अब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे और बना लेंगे द्विगुणित युग्मनज, यानी यहां पर जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट बन जाएगा ये अंदर द्विगुणित जाइगोट बन गया, और अभी भी इसमें प्रोटीन बचा हुआ है। अब बात आती है इसके पोषण की, यानी युग्मनज तो बाहर बना है, अब इसका पोषण कैसे होगा, तो इसके अंदर जो प्रोटीन पहले से पड़ा हुआ है
वो प्रोटीन इसको पोषित करेगा, यानी इसको जो पोषण चाहिए वो प्रोटीन से ले लेगा। इस तरह से जो ओविपेरस जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, वो एग ले करते हैं, और फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो बाहर होती है, ना कि अंदर। तो ये तो हो गया ओविपेरस। अब बात कर लेते हैं विविपेरस की। विविपेरस जो जंतु होते हैं उनमें एग ले नहीं होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो अंदर ही हो जाती है। तो यहां पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे हैं। इसकी संरचना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब अगली वीडियो बनाएंगे। मान लो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, ये अब यहां पर क्या बनते हैं, एग सेल बनते हैं। ये एग सेल बन गई, और ये एग सेल आते हैं यूट्रिया में। ये एग सेल कौन से होते हैं, यहां पर इस ये जो अंडाशय है इसमें कौन सी क्रिया होगी, ऊजेनेसिस की क्रिया होगी, और ऊजेनेसिस की क्रिया होने के बाद में बन जाएगी एग सेल। अब एग सेल इसके अंदर ही है, अब एग सेल अंदर है और ये चली जाती है यूट्रस के पास, और नीचे से आते हैं हमारे स्पर्म सेल जो बाहर से डले हुए होते हैं। अब स्पर्म सेल इसके अंदर आते हैं और यहां पर जब एग सेल होती है उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो यहां पर युग्मक का निर्माण होता है। ये स्पर्म सेल कैसा है, एगुणित है, और ये एग सेल भी एगुणित है। अब जब एगुणित युग्मक और एगुणित युग्मक आपस में क्रिया करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे, तो यहां पर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। ये कैसा है, द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट। अब यहां पर आपने ध्यान दिया हो कि जो ओविपेरस है उनके अंदर क्या हो रहा था, जो स्पर्म सेल है और एग सेल है वो बिल्कुल पास आ गए, उसके बाद में उनके चारों तरफ कवरिंग हो गई और बीच में भर गया उनके प्रोटीन। अब जब वो एग ले हो जाता है तो बाहर क्या होता है, जो स्पर्म सेल है और एग सेल है वो आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है ओविपेरस में बाहर होती है, लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है यानी जो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हो रहे हैं, निषेचित हो रहे हैं, उसकी क्रिया अंदर ही हो रही है और इसके चारों तरफ कवरिंग बन जाती है और ये चला जाता है यूट्रस। ये जो यूट्रस होती है इसके वॉल के पास, और यहाँ पर बन जाती है हमारी प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या काम करती है, वहां पर तो ओविपेरस में क्या होता है, ओविपेरस में जो लेयर बनती है उसके बीच में ही प्रोटीन भर दिया जाता है, और जब जाइगोट बनता है तो जो जाइगोट डेवलप होता है तो वो प्रोटीन से वहां पर पोषण प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो कवरिंग बनी है इसके अंदर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है। अब जब ये जाइगोट या युग्मनज जब डेवलप होगा, विकसित होगा, तो ये पोषण प्राप्त करेगा इसकी भित्ति से, यानी यूट्रस की जिस भित्ति के साथ ये संलयित हुआ है, जिसके साथ जुड़ा है, वहां पर प्लेसेंटा बन जाएगी, और प्लेसेंटा के द्वारा जो पोषण है वो युग्मनज तक पहुंच जाएगा। अब धीरे धीरे ये पोषण प्राप्त करता रहेगा, और जो युग्मनज है वो धीरे धीरे विकसित होता रहेगा। तो ये जो क्रिया होती है, यानी युग्मनज के डेवलप होने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं जस्टिसिन। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो मेल गैमेट है, जो मेल नर युग्मक है और मादा युग्मक है, वो आपस में निषेचन कर जाते हैं और उनका क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, यानी युग्मनज बन जाता है। अब वो युग्मनज कहाँ पर जाता है, इसके पास में, जो यूट्रिया है उसकी भित्ति के पास में, उसकी वॉल के पास में, और यहाँ पर बना देती है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या करती है, हमें पता है युग्मनज को पोषण प्रदान करती है। तो यहाँ से जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा जो युग्मनज है यानी जाइगोट है वो क्या करेगा, पोषण लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा और डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो डेवलप होने की प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जस्टिसिन। ये कितने महीने की होती है, 9 महीने की होती है। अब 9 महीने बाद जो युग्मनज है वो पूरा डेवलप हो चुका होगा, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स से जो युग्मनज बना है वो जस्टिसिन के बाद में, यानी 9 महीने का काल पूरा होने के बाद में वो पूरा विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और एक बेबी बन जाएगा। तो जब ये जस्टिसिन की क्रिया पूरी होगी और वो बेबी बन जाएगा, पूरा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाएगी 9 महीने बाद। तो इस तरह से विविपेरस जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो फर्मेंटेशन की क्रिया है,
जो निषेचन की क्रिया है वो कहां पर होती है, अंदर ही होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। लेकिन जो ओविपेर जंतु थे, जैसे हमने फीमेल बर्ड के बारे में बात की, उसमें जो जाइगोट है वो कहां पर आया, पहले एग के रूप में बाहर निकला, अब एग के अंदर वहां पर क्रिया हो गई है फर्टिलाइजेशन की और वहां पर बन जाता है जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट बनने के बाद में इसके पास में जो न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं, प्रोटीन पड़ा होता है, उससे वो पोषण प्राप्त कर लेता है और ये भी डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो विवीपर जंतु हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रही है, यानी दोनों में अंतर हो गया, ओविपेरस और जो विवीपर जंतु हैं उनमें अंतर हो गया कि वो तो एग ले करते हैं लेकिन यहाँ पर एग ले की क्रिया नहीं होती, यानी जो अंडे देने की प्रक्रिया है वो नहीं होती है। उसमें तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। तीसरा आता है हमारा ओविविवीपेरस। अभी हमने बात बताया कि जो जंतु होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ओविपेरस, विवीपेरस और तीसरा होता है ओविविवीपेरस। अब अगर हम इसकी बात करें, यानी ओविविवीपेरस की बात करें, तो ये पाया जाता है क्रोकोडाइल में। अब इसमें होता क्या है, इसमें नाम से पता चल रहा है ओवी और वीवी, यानी जो ओवी पैरस है उनका भी लक्षण होगा और जो वीवी पैरस है उनका भी लक्षण होगा। तो इसमें होता क्या है, एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये हमने फीमेल क्रोकोडाइल बना ली, तो इसमें होता क्या है, इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, यानी ओविपेरस के भी और विवीपेरस के। इसके अंदर जो फीमेल क्रोकोडाइल है वो क्या करती है, यहाँ पर एग सेल बनाती है। हमें पता है जो फीमेल गैमेट होता है वो कौन सा होता है, एग सेल होता है, यानी यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ओजेनेसिस की क्रिया होती है। ओजेनेसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ पर एग सेल बनता है। अब एग सेल यहाँ पर बन गया, ये कैसा है, एगुणित है, और बाहर से आता है हमारा स्पर्म सेल, जो मेल बॉडी होती है वहां से स्पर्म सेल आता है, इसके अंदर स्पर्म सेल आ गया। अब इसके अंदर भी ओविपेरस की तरह ही होता है, यानी जो स्पर्म सेल आया है ये कैसा है, एगुणित है, एन है, और हमारा जो एग सेल है वो भी एन है। अब इसके चारों तरफ, इन दोनों के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है पतली सी, और उसके अंदर भर जाता है न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स भर गए, या फिर हम इसको कहते हैं प्रोटीन। यानी अभी तक तो क्या हुआ है, अभी तक तो जो ओविपेरस जंतु हैं उन्हीं की तरह हुआ है। ओविपेरस जंतु में भी क्या होता है, एग सेल फीमेल बॉडी के अंदर बनता है और जो मेल गैमेट है वो बाहर से आता है, यानी जो स्पर्म सेल है वो बाहर से आता है और उनके चारों तरफ कवरिंग बन जाती है और बीच में भर जाता है प्रोटीन। तो अभी तक तो इनमें यही हुआ, तो ये होते हैं, इनको हम कह सकते हैं ओवी, यानी ओविपेरस कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस है वो ओविपेरस की तरह नहीं है। अब इसके बाद में ओविपेरस में क्या होता है, ये जो अंडा बना है, एग बना है, ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जो स्पर्म सेल है और एग सेल है ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं और यहां पर बन जाता है युग्मनज। लेकिन जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है वो इस एग सेल को बाहर नहीं देती है, नहीं निकालती है, तो जो स्पर्म सेल है अंदर और एग सेल है वो भी अंदर ही है एग के अंदर, तो इसके अंदर यानी फीमेल बॉडी के अंदर ही ये स्पर्म सेल और एग सेल आपस में फर्टिलाइजेशन कर जाएंगी और फीमेल बॉडी के अंदर ही यानी एग के अंदर ही यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो जाइगोट जो है वो डेवलप होने लगेगा, तो डेवलप होने लगेगा तो जो एग की ये भित्ति पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, ये टूट जाती है और फिर इसमें क्रिया होती है विवीपेरस की तरह, यानी जो युग्मनज बना है वो कहाँ पर चला जाता है, जो यूट्रिया पाई जाती है उसके पास में चला जाता है, वहाँ पर प्लेसेंटा बनाता है और वहीं से पोषण प्रदान करता है। और जब ये जाइगोट पूरा डेवलप हो जाता है उसके बाद में जो छोटा क्रोकोडाइल है उसका बोर्न हो जाता है, यानी दिखता तो हमें बाहर से कैसा है, बिल्कुल विवीपेरस की तरह, यानी विवीपेरस क्या कर रहे थे, जो विवीपेरस थे
वो बेबी बर्न बर्न कर रहे थे, यानी जो बच्चे जन्म ले रहे थे, बच्चे यहाँ पर जन्म ले रहे थे, लेकिन जो ओवीपेरस था उनमें क्या हो रहा था, ओवीपेरस में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया थी वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रही थी। इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो तो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, यानी वीवीपेरस है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो स्पर्म सेल है और जो एग सेल है उसके चारों तरफ कवरिंग बन जाती है बिल्कुल ओवीपेरस की तरह। तो इसको हम दोनों का मान सकते हैं, यानी पहले तो ओवीपेरस की क्रिया होती है और बाद में ये वीवीपेरस की तरह दिखाई देता है, तो इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, यानी पहले तो ओवीपेरस की तरह कवरिंग बन जाती है बाहर, अब उस सेल के अंदर ही, यानी जो एग बना है उसके अंदर ही जो स्पर्म सेल है और एग सेल है वो फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं और जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, और अंदर ही जाइगोट बन जाता है, जो फीमेल क्रोकोडाइल है वो उस एग को ले नहीं करती है और फिर उसके अंदर वीवीपेरस की तरह ही काम होता है। तो ये हमारा तीसरा प्रकार का जंतु है। तो पहले प्रकार के जंतु कौन से होते हैं, ओवीपेरस, दूसरे प्रकार के होते हैं वीवीपेरस, और तीसरे होते हैं ओवीवीवीपेरस। आशा करता हूं कि आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।